मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में बेल का जो आइकॉन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले मेरी रेसिपी मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। आज आपके लिए खोए की रेसिपी लेके आई हूँ। खोया बहुत सी मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। घर में खोया बनाना बहुत आसान है। पाउडर मिल्क के साथ खोया कैसे बनाया जाता है आज आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हैं नोट कर लें। पाउडर मिल्क ले लिया है मैंने 2 कप। 1 कप मैंने फ्रेश मिल्क ले लिया है। 4 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। जी फ्रेंड्स, खोया बनाने के लिए पैन में सबसे पहले हम घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गर्म कर लेंगे। मुझे तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पाउडर मिल्क डालें, एक साथ नहीं डालिएगा। मीडियम फ्लेम पर और इसको मुसलसल चम्मच चलाएं। जी फ्रेंड्स, ये सारा डाल दिया है मैंने पाउडर मिल्क और इसको मुसलसल चम्मच चलाएं। चम्मच जरूर चलाते रहे आप। इसको खोया भी कहा जाता है, मावा भी कहा जाता है। बहुत सी मिठाइयां इससे तैयार की जाती हैं। कई जगहों पे ये बहुत मुश्किलों से मिलता है, हर जगह अवेलेबल नहीं होता खोया, तो आप पाउडर मिल्क से बासानी इसको घर में फटाफट बना सकते हैं। फ्रेश मिल्क से भी खोया बन जाता है, लेकिन फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। इस तरीके से आप पाउडर मिल्क से खोया तैयार करें तो बहुत ही जल्दी खोया तैयार हो जाता है। आपने ख्याल रखना है कि मुसलसल आपने जो है चम्मच इसमें चलाते रहना है। इलायची पाउडर डाल दें, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जी फ्रेंड्स, देखें मुसलसल इसमें चम्मच चलाएं। इस तरीके से साइड से भी आप अच्छी तरीके से चम्मच चलाएं। इसको आपने लो फ्लेम पर पकाना है। जी फ्रेंड्स, ये देखें कितना अच्छा ठीक हो रहा है। तो आपने बिल्कुल ठीक कर लेना है। जी फ्रेंड्स, ये देखें अच्छी तरीके से इसको हमें ठीक करना है। जी फ्रेंड्स, ये देखें जब खोया इस तरीके से पैन को छोड़ने लगे, ये देखें एक साथ बिल्कुल ये मिक्स हो गया है। तो अब आपका खोया तैयार है। देखें इस तरीके से, देखें जब ये बिल्कुल यकजान हो जाए तो समझे खोया बिल्कुल तैयार है। खोया इस शक्ल में आ जाए, ये देखें बिल्कुल मिक्स हो गया आपस में, थिक भी हो गया और ये देखें इसने पैन को भी छोड़ दिया है। तो खोया तैयार है। चूल्हा बंद कर देते हैं। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त हमारा खोया मावा तैयार है। बहुत ही मजेदार लजीज बनता है। इसको आप बना के रखें और जब भी आपका दिल चाहे कोई मिठाई बनाने का तो आप उसमें इसको इस्तेमाल करें। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।